कोई ग्रुप पे डाल दो यार क्लास में आने के लिए, बहुत ज्यादा लोग एबसेंट हैं आज तो, 13-14 लोग एबसेंट हैं, सब भूल गए। नैतिक आए हो नहीं आए हो? यस सर। टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 22x माइनस 24 इक्वल टू जीरो। रूट्स का रेशियो 3:4 दिया हुआ है ना, तो रूट्स को ले लो 3a, 4a और b, समझे? और अब सॉल्व कर दो, 3a प्लस 4a प्लस बी इज इक्वल टू हाफ। 3a इंटू 4a प्लस 3a इंटू बी प्लस 4a इंटू बी इज इक्वल टू 22 बाई 2। 3a 4a बी इज इक्वल टू 24 बाई 2। क्लियर है कैसे यूज करना है रेशियो वाली बात को? हाँ सर। हाँ, जिसका भी डाउट था कर लोगे सॉल्व अभी? हेलो, हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट बोलो सर। 12th 12th वाला। रूट्स बींग इन जीपी, जीपी नहीं आता इसलिए नहीं बना कि जीपी आता उसके बावजूद नहीं बना, सर जीपी आता है फिर भी नहीं बना। जीपी आता है फिर भी नहीं बना। तो जीपी में रूट्स कैसा लेते हैं?
54x³ - 39x² - 26x + 16 = 0. रूट्स कैसे लोगे? ले लो रूट्स, ए ए आर ए आर स्क्वायर, ठीक है। अब चलो तो a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर -39/54, a इंटू ए आर, ए इंटू ए आर स्क्वायर प्लस ए आर इंटू ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू -26/54 और a इंटू ए आर इंटू ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू -16/54। इतना चमकता है? Yes, sir. अभी यहां से a निकाल के इसमें डाल दे, ये बात क्लियर है? वैसे इससे फास्ट क्या रहता तेरे लिए, तू रूट्स को ऐसे लेता, देख a बाई आर, a और ए आर, ऐसा रूट्स लेता ज्यादा फास्ट होता क्योंकि तेरा सीधा a निकल जाता। हाँ सर, मैंने ऐसे लिया था। हाँ तो सीधा तेरा a, फिर तो सॉल्व कर देना इक्वेशन बना के। सर लास्ट में नहीं आया मेरा, लास्ट में नहीं आ रहा, मतलब मैं ट्राई किया 3-4 बार पर वापस वही आ रहा है। चलो मैं भी एक बार ट्राई करता हूँ तुम्हारे साथ फिर। उसमें क्या है ना कि बस वही होता है, मतलब लंबा है, अभी ट्राई करता हूँ एक बार। 54x³ - 39x² - 26x + 12 + 16 = 0। तो जीपी के रूट्स ए ए बाई आर, ए और ए आर लिया, ठीक है। तो अभी a बाई आर प्लस ए प्लस ए आर, कैलकुलेशन बहुत गंदी पड़ेगी तो कोई मेरी हेल्प कर देना तो थोड़ा आसान रहेगा मेरे लिए। a बाई आर इंटू ए प्लस ए बाई आर इंटू ए आर प्लस ए इंटू ए आर इज इक्वल टू माइनस के साथ 26/42 और a बाई आर इंटू ए इंटू ए आर इज -16/54। तेरा आ गया a क्यूब इज इक्वल टू -8/27। a की वैल्यू आ गई तेरी -2/3। अरे भाई हेलो, तुम्हारा एक रूट आ गया ना -2/3। हाँ सर। अब डाल दो उसे, अब लॉन्ग डिवीजन लगा दो ना, मतलब एक फैक्टर से क्या हो गया, 3x + 2 एक फैक्टर हो गया ना इस इक्वेशन का। yeah. अब फैक्टराइज करो ना फटाक से, बाकी इसमें दिक्कत आ रही है करने मत करो फिर, एक वैल्यू आ गई ना, तुम चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, बट ज्यादा फास्ट रहेगा। 3x + 2 के रिस्पेक्ट में फैक्टराइज कर दो इसको। कैसे फैक्टराइज करेंगे बताओ, करने आता है ना, सिखाया है ना। तो 3x + 2 का मैक्स, यहाँ 54 चाहिए ना और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 54 है यहाँ पर 3 है, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या आएगा बताओ? 18 आएगा, बहुत अच्छा, 18x², ठीक है। अब यहाँ पे 16 है ना और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ का कांस्टेंट टर्म क्या आएगा बताओ? 8 चमक रहा है। तो अब बस एक ही टर्म बचा ना, बीच वाला टर्म, तो बीच वाला टर्म ले आओ, कैसे भी ले आओ। सोचो कैसे आएगा, यहाँ -26x है ना और यहाँ पे कितना बन चुका है, 8 के साथ कितना बन रहा है, 8 × 3 = 24x। तुमको -26x चाहिए ना, कैसे पॉसिबल है? अगर यहाँ -25x रहेगा तभी ना इससे क्या बनेगा, -50x। तो इन दोनों के एडिशन से क्या बन जाएगा, -26x। ये बात चमकी क्या, कैसे फैक्टराइज करते हैं सीधा बिना लॉन्ग डिविजन के? Yes, sir. तो क्या आ गया, 3x + 2 into, बोलो कितना आया, 18x². तुम लोग इसमें तीनों रूट मत निकालने जाओ, एक रूट निकल गया काम खत्म, फैक्टराइज करो, हो गया ना बेटा। अभी ये तो नॉर्मल क्वाड्रेटिक है ना। Yes, sir. अब ये तो फैक्टराइज, ये तो नॉर्मली क्वाड्रेटिक है, फैक्टराइज कर सकते हो ना क्वाड्रेटिक को तो। हाँ सर। जिसका डाउट था बेटा वो बोलो, क्लियर है आपको? Yes, sir. ठीक है, चलिए आगे बोलिए। सर इसको a बाई बी और b इज इक्वल टू b बाई सी लेके कर सकते हैं?
क्या चीज वापस बोलो सर? ए बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी ऐसे रूट्स लेकर सर जीपी में। हाँ समझ गया मैं, तुम ये कह रहे हो रूट आप ये ले लो ए बी सी ले लो है ना। हाँ, सर, और बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। ये बहुत कैलकुलेशन गंदी हो जाएगी, सॉल्व क्यों नहीं कर सकते, सॉल्व तो कैलकुलेशन गंदी हो जाएगी। ठीक है नेक्स्ट बोलो। मुझे 14 में नहीं आ रहा लास्ट। आते हैं आते हैं। और जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो ट्राई करो साथ साथ कॉपी करने का, भले ही दो लाइन तीन लाइन कॉपी हो रहा है। मैं नोट शेयर करूंगा ठीक है। कौन सा करना है? 14th वाला। सिक्स एक्स की पावर 4 माइनस 29 एक्स क्यूब प्लस 40 एक्स स्क्वायर माइनस 7 एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0। दो रूट्स का प्रोडक्ट 2 दिया हुआ है ना, तो अपन रूट मान लेते हैं ए बी सी डी। तो लेट से ए बी का वैल्यू 2 दिया हुआ है ठीक है। अब अगर ए बी का वैल्यू 2 दिया हुआ है मारा इसमें क्या आंसर नहीं आ रहा कि सॉल्व नहीं हो रहा बेटा? आंसर नहीं आता। नहीं 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 आंसर नहीं आता। देखो क्वेश्चन दो उठता है, या तो सॉल्व नहीं हुआ या तो आंसर नहीं आया। मैं पूछ रहा हूं कि क्या तुम्हारा सॉल्व हो गया है, आंसर गलत आ रहा है कि सॉल्व ही नहीं हो पा रहा है? आंसर गलत आता है सर। चलो ठीक है सॉल्व कर फिर बताओ सॉल्व कैसे किया बोलो। क्या करो इसके आगे बोल सर? वही ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी सारा रूट्स का सर। हाँ फिर दो दो का पैर लेके ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस बी डी प्लस सी डी सी बाय 40/6। हाँ तो ए बी सी डी का प्रोडक्ट कितना आया? 2 आया। तुमको दिया है ना ए बी का प्रोडक्ट 2 है, तो ए बी का वैल्यू 2 है तो सी डी का वैल्यू कितना आ गया? -1। यहां तक क्लियर है? Yes, अब इस चीज को यूज किया जाए, कहां यूज करना अच्छा रहेगा बताओ तो सोच के कोई बताएगा मुझे, हेल्प करेगा कहां यूज करूं? इस वाले इक्वेशन में यूज करें? हेलो तो यूज करो बताओ क्या बनता है। ए बी का वैल्यू डाल दिया, सी डी का वैल्यू डाल दिया, तो क्या बचा? 2 प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस बी डी प्लस सी डी इज इक्वल टू 40/6। ठीक है तो तुम्हारे पास आ गया ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी। क्या बोलो? सर वो ए बी सी डी के जगह माइनस 2 आएगा ना? कहाँ पे? सर वो जो लास्ट स्टेप आपने लिखा है। हाँ माइनस 2 ही तो है। अच्छा अच्छा ओके। 12/6 और माइनस तो 2 ही तो है, माइनस 2 है ना, माइनस माइनस 2। तभी तो ए बी का वैल्यू 2 पुट किया है, तो सी डी का वैल्यू माइनस 1 आया है। विदुषी होमवर्क किया था? छूट गया था एग्जाम में? नहीं सर किया है। किया है ना, तो बताओ इसके बाद कीर्ति क्या किया इसके बाद? सर मैं मुझे ये क्वेश्चन नहीं बना ये वाला। हाँ ठीक है कीर्ति के डाउट। कीर्ति बताओ किसका बनना है फिर, क्या करें इसके आगे? 20/3 वैल्यू कितनी आ रही है इसकी? सर इसका 17/3 कुछ आ रहा है।
17 by 3 कुछ आ रहा है, 17 by 3 आ रहा है, हाँ सही है 17 by 3 आ रहा है, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या किया बताओ, ये एक वैल्यू आ गई, फिर इस वाली इक्वेशन में आते हैं, ठीक है। Yes, sir. तो इस वाली इक्वेशन में क्या हो जाएगा, इस वाली इक्वेशन में पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, सी ए बी का वैल्यू डाल दिया 2, फिर ए बी का वैल्यू डाल दिया 2, फिर सी डी का वैल्यू डाल दिया, ठीक है, माइनस 1, ये आ गया माइनस ए, और फिर डाल दिया सी डी का वैल्यू, तो माइनस बी इज इक्वल टू 7/6। यहां तक क्लियर है, ठीक है। तो अब क्या करें बताओ, अभी पहला इक्वेशन और इस इक्वेशन को अगर ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, अगर पहली इक्वेशन और इस इक्वेशन को मैं ऐड करूंगा तो क्या होगा बेटा बताओ, ए और बी कैंसिल, 3c प्लस 3d इज इक्वल टू 36/6, 6 आ गया, ठीक है। तो क्या आ गया अपने पास, c प्लस d इज इक्वल टू 2 और cd माइनस 1 है, तो क्या आ जाएगा c स्क्वायर, सॉरी c माइनस 1/c इज इक्वल टू 2, मतलब c स्क्वायर माइनस 2c माइनस 1 इज इक्वल टू 0। कीर्ति क्लियर है, 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac by 2, तो अपना c का वैल्यू आ गया 1 प्लस माइनस रूट 2। अच्छा क्वेश्चन था ये, क्लियर है क्या सभी को अच्छे से, यस सर, इट वाज अ गुड क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट बोलो, यस सर। सर लिख ले कि आप मैं शेयर करूंगा। सर 17 वाला, एक मिनट रुको ना, अभी कौन सा किया सॉल्व, 14 किया, हाँ 15 16 वाला, एक काम करो ना, ये तीनों जीपी वाले क्वेश्चन है, हाँ 15 करता हूँ, ये 12 13 और 16 ना जीपी पढ़ाने के बाद ही करते हैं, ठीक है, जीपी वाले में ही ये क्वेश्चन ले लेंगे, तीनों क्वेश्चन ध्यान रखना, जब मैं जीपी पढ़ाऊंगा ना आज या कल तो ना उसमें ही क्वेश्चन ले लूंगा मैं, तीनों क्वेश्चन सीधा ज्यादा अच्छा रहेगा। 15वां डाउट है, किसी ने पूछा है 15, इसलिए बोल रहा हूं मैं, सर क्या डाउट है, आंसर नहीं आ रहा कि सॉल्व करने नहीं आ रहा, आंसर नहीं आ रहा, बीच में रॉन्ग हो गया कुछ तो उसमें देखो, मैं तो तुमको यही बोल सकता हूँ कि रूट्स जो है एपी में है ना, तो अगर 4 नंबर्स एपी में होते हैं तो उसको कैसे लेते हैं बताओ, अगर 4 नंबर्स एपी में होते हैं तो कैसे लेते हैं बताओ, आता है a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d, ऐसे लेते हैं 4 नंबर अगर रहते हैं तो, ठीक है। तो इसका वही वापस से सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट लगा दो, अगर सम ऑफ रूट लगाओगे सीधा तो a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2। तो a की वैल्यू हाफ आ गई, ठीक है। अब जो दूसरा वाला, अब लास्ट वाला पार्ट अप्लाई कर दो, लास्ट वाला पार्ट क्या है, प्रोडक्ट वाला, हाँ a माइनस डी, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d, ठीक है। इसका वैल्यू कितना है, 40। तो अब इसको इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसको इसको कर लो, तो ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर इक्वल टू 40। बोलो क्लियर है, ये डाल दो ए का वैल्यू, हाफ माइनस डी स्क्वायर। अब तो तुम लोग को 2-3 महीने से पढ़ा रहा हूँ, इतना तो तुमको देख के फील आती होगी कि हाँ 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 भाई, ठीक है। अभी ये डी स्क्वायर को
अभी तो क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व कर लोगे ना, कितने लोग को ये जो इक्वेशन लिखी है वो देख के क्वाड्रेटिक लग रहा है, कितने लोग को पावर फोर का इक्वेशन लग रहा है? सर पावर फोर का इक्वेशन है, मेरे को तो क्वाड्रेटिक लग रहा है, बताओ क्यों? b स्क्वायर को x ले, b लेके करें, b स्क्वायर को b स्क्वायर को p ले लेंगे है ना, तो क्वाड्रेटिक बन जाएगा ना। ठीक है, नेक्स्ट बोलो। जीपी वाले छोड़ देते हैं, ठीक है। सेवनटींथ, एटींथ, अच्छा ये नाइनटींथ जो क्या बोला, सेवनटींथ, तुम लोग को आंसर मालूम है ना इन सबका? आंसर किसी ने आंसर डाल देते ना ग्रुप पे? सर पूरी पीडीएफ डाल देती हूँ। अच्छा बढ़िया, एक मिनट, सॉल्व कौन सा करना है, सेवनटींथ की एट क्या बोल रहे हो? सर सेवनटींथ, सेवनटींथ वाला, 18x क्यूब, जिसका भी डाउट है वो मुझे बताओ क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीन रूट से है ना, ए बी सी, क्या बोल रहा है बोलो? सर वन रूट बीइंग हाफ ऑफ द सम ऑफ द अदर, तो वो नहीं समझा सर। ये वन रूट इज हाफ द सम ऑफ अदर टू, समझे अभी? तो टू ए कितना हो गया बेटा, बी प्लस सी, और आपके पास ए प्लस बी प्लस सी कितना है बेटा, 81/18 है ना। बी प्लस सी को रिप्लेस कर दीजिए यहाँ पे, कितना आ गया बेटा, माइनस 81/18, आपका ए कितना आ गया, क्या कर रहा हूं मैं, ये आ गया ना, आपके पास एक रूट आ गया, क्या रूट आ गया, 18x+27 आपका एक रूट है। आप सो काट कूट दो ना, काटो, किससे कट रहा है ये, 9 से कट रहा है ना, 9 3 9 2 है ना, आपका एक रूट क्या आ गया, 2x+3 एक रूट आ गया ना बेटा आपका, है ना। अभी फैक्टराइज कर दो इसको, कैसे करोगे फैक्टराइज बताओ, यहाँ पे 18 है ना और यहाँ पे 2 है, तो क्या चाहिए यहाँ पे, 9x, यहाँ पे कितना है बेटा, 60 है, और यहाँ पे कितना है, तो आपका कांस्टेंट टर्म कितना आएगा बताओ, 20 आ जाएगा। ठीक है, अभी आप ये देख लो, 121x बनाना है ना, आपका कितना बन चुका है, देखो आपका 60x तो पहले ही बन चुका है, तो आपको यहाँ पे कुछ चाहिए ना x के साथ, ताकि आपका क्या बन जाए, और 61x और बन जाए ना, कैसे बनेगा 61x, 21x से, चमक रहा है कैसे फैक्टराइज करता हूं मैं तुरंत, 21 से नहीं बनेगा, सॉरी एक मिनट, कुछ गलती हो गई क्या, एक सेकेंड, कुछ मिस्टेक है अपन, ये 40x था ना, बस 20 × 3 ये 40x था ना, तो कितना x बच गया है यहाँ पे, 121x - 40x कितना बच गया, 81x, तो इसकी लागत है 27x। ये समझ में आ रहा है कैसे फैक्टराइज में तुरंत कर दे रहा हूँ बिना लॉन्ग डिवीजन यूज किए हुए? थोड़ा समझ में आ रहा है, चलो मैं एक बार वापस ट्राई करता हूँ इसी को समझाने का। ठीक है, देखो ध्यान से, आपका एक रूट तो आ गया 3/2, तो इसका क्या मतलब है कि 2x+3 एक फैक्टर है, ये समझ में आता है? ठीक है, अब यहाँ पर 2x+3 इसका फैक्टर है ना क्यूबिक का, तो जो अपना जो क्वोशेंट आएगा वो कैसा रहेगा, क्वाड्रेटिक रहेगा, मानते हो? हाँ सर। ठीक है, तो जो क्वाड्रेटिक रहेगा, और यहाँ पे 2x आ चुका है और यहाँ पे 18x क्यूब है, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक वाला टर्म क्या होना चाहिए कि 18 बन जाए, 9x2। अब मैं कांस्टेंट टर्म एडजस्ट करता हूँ, यहाँ पे 60 है ना, यस सर, और यहाँ पर 3 है ना, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका यहाँ पर क्या होगा कि आपका 60 बन जाएगा बताओ, 20 है ना, अब 20 बन गया आपका, मानते हो? नाउ अब मुझे बताओ ये चीज कि अब x को एडजस्ट कर लो या x स्क्वायर को, या तो इसको कर लो एडजस्ट या इसको कर लो एडजस्ट,
ठीक है, मैं एक्स वाले को करता हूं कई बार। अब मुझे बताओ यहां से कितना एक्स बन चुका है सिस्टम में मल्टीप्लाई करने पे? 40x बन चुका है। तुमको कितना बनाना है? 120. 121 तो 121 किससे बनेगा? ये जो 3 होगा तो अपने पास कितना x बचा हुआ है अभी? 81x लेफ्ट है ना मेरे पास? यस सर। तो 81x कैसे बनेगा? यहाँ पर ये x के साथ कुछ होना चाहिए ताकि ये इंटू 3 क्या दे दे, 81 दे दे। यस सर। तो यहाँ पे क्या होगा? 27 होगा ना? हाँ। समझे? हाँ सर। अभी क्लियर है क्या? अभी थोड़ा थोड़ा क्लियर है सर। क्लियर। सर एक्स स्क्वायर को एडजस्ट करने के बाद डायरेक्ट कांस्टेंट पे क्यों जाते हैं? आसान पड़ता है इसलिए, क्योंकि कांस्टेंट टर्म और किसी से नहीं बन रहा ना। देखो एक्स स्क्वायर और एक्स जो है ना बेटा, वो दो चीज से बनता है। एक्स स्क्वायर किससे किससे बन सकता है? 9x स्क्वायर इंटू 3 से। हाँ सर। ये देखो ना, लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, ध्यान देना। लेफ्ट साइड में देखो लिख रहा हूं, कुछ दिख रहा है? अब मुझे बताओ यहाँ पे क्यूबिक, क्यूबिक वाला टर्म गारंटी के साथ किससे बन रहा है? बस a इंटू पी से बन रहा है। हाँ। और सिस्टम का जो कॉन्स्टेंट टर्म है वो किससे बन रहा है? b इंटू r से बन रहा है। हाँ सर। यस। लेकिन जो x का कोएफिशिएंट है वो किससे बन रहा है? वो ax इंटू r और फिर qx इंटू b, ये बात समझी? हाँ सर। और x स्क्वायर जब मल्टीप्लाई कर रहे पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट किससे बन रहा होगा बताओ? ax इंटू qx प्लस px स्क्वायर इंटू b, ये बात समझ में आ रहा है? यस सर। तो हम लोग ऐसे कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो कि हमारे लिए आसानी दे। तुम देखो ना x स्क्वायर और x का कोएफिशिएंट जो है ना वो दो दो तरीके से बन सकता है, दो चीजों का एडिशन बन रहा है, लेकिन जो एक्स क्यूब और कांस्टेंट है वो डायरेक्टली हो रहा है। ये क्लियर है क्या कीर्ति? हाँ सर अभी समझा। ठीक है, और ऐसा नहीं है, बहुत लोग एक्स से भी करना शुरू कर, कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं तुमको तीनों से करके दिखा देता हूं ना। देखो ना लंबा पड़ता है बस 18x क्यूब, ज्यादा अंतर नहीं पड़ता है, कैसे भी करो मेरे लिए वो आसान पड़ता है। इस वाले क्वेश्चन का एक रूट निकाला है तुमने। हाँ, 18x क्यूब प्लस 81x स्क्वायर प्लस 121x प्लस 60 इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब एक तो फैक्टर निकाल लिया है तुमने 3x प्लस 2। ठीक है, मैं मेथड वन से फैक्टराइज कर रहा हूं जो अभी पिछले पेज पर दिखाया था। कैसे किया मैंने? पहले 9x स्क्वायर दे दिया और यहां पे क्या दे दिया? 20 दे दिया। नहीं तो यहां पे 2x, नहीं यहां पे फिर ये गलत था ना, ये 3x प्लस 2 थोड़ी था, क्या था? 2x प्लस 3 था ना। 2x प्लस 3। हाँ, तो अब यहां पे क्या दिया था? 9x स्क्वायर दिया था पहले, है ना, और उसके बाद क्या दिया था? 20 दिया था, और फिर एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे 27x। ये अपना मेथड वन जो पिछले पेज पे एक्सप्लेन किया मैंने। जरूरी नहीं कांस्टेंट टर्म ही करो, कैसे भी करो अंतर नहीं पड़ता। ठीक है, यहाँ बताओ अभी पहला टर्म तो 9x स्क्वायर कर दोगे? हाँ सर। अब मुझे बताओ सिस्टम में कितना x स्क्वायर है? 81 है। अभी तक तुमने कितना बना लिया है? 27 x स्क्वायर बना लिया है। हाँ सर। कितना और चाहिए? 54 और चाहिए। हाँ। 54 कैसे आएगा? 27x आएगा तभी तो ये और ये मल्टीप्लाई होके 54x स्क्वायर दे देंगे। यस सर। समझे? ठीक है, और अब कांस्टेंट टर्म डाल दो। क्लियर है, कैसे भी एडजस्ट करो अंतर नहीं पड़ता है, हाइयर टू लोअर जो मेरे लिए आसान पड़ता है कांस्टेंट टर्म, इसलिए बस। ठीक है, नेक्स्ट बोलो। 19 का सेकंड वाला। 19 का सेकंड वाला,
अच्छा क्वेश्चन है, तुमने देखा नहीं ध्यान से इसलिए नहीं बना तुम्हारा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब बहुत ही सिंपल है, अच्छा है। तुमको दो मिनट में अभी दिखाऊंगा, तुमको दिख जाएगा। तुम मुझे बताओ पहले थ्योरी ऑफ इक्वेशन से ए प्लस बी प्लस सी कितना है? जीरो। जिसका डाउट है वो इंटरेक्ट करो। माइनस, हाँ तो ये देखो ध्यान से, ए प्लस बी प्लस जीरो है ना। हाँ। अब मुझे बताओ 19th के सेकंड क्वेश्चन क्या है? 1/b + c + 1/c + a + 1/a + b। कुछ दिख रहा है इसको, इसको यूज करने में कुछ फायदा होगा? नहीं सर, नहीं दिख रहा। b प्लस सी का वैल्यू कितना है? माइनस ए ना। माइनस ए। अब कुछ दिख रहा है फायदा? हाँ सर अभी दिख रहा है। अभी एलसीएम ले लेगी तो क्या आ जाएगा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए और नीचे में ए बी सी। चमका। हाँ सर। नेक्स्ट बोलो सर। क्वेश्चन नंबर 20 का वो जो क्यूब वाला पार्ट है, कौन सा बेटा? सर क्वेश्चन नंबर 20 का जो वो क्यूब ऑफ द रूट वाला पार्ट है वो वाला। मेरी आवाज ही नहीं आ रही मुझे। हेलो, चैट में लिख के बताता हूँ। अभी बोल, अभी बोलो, क्या बोला? बोल सर। क्वेश्चन नंबर 20 का जो क्यूब ऑफ द रूट्स वाला है ना, वो वाला। हाँ, क्यूब ऑफ द रूट्स। ठीक है, क्वेश्चन समझ गया, समझ गया, करता हूँ। ट्वेंटीएथ क्वेश्चन, क्यूब ऑफ द रूट्स एक्स की पावर 4 प्लस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस एस इक्वल टू जीरो। क्यूब ऑफ द रूट्स, तो चार रूट्स है ना इसके, ए अपन मान लेते हैं चार रूट्स, क्या मान ले बताओ? ए बी सी डी मान लेते हैं, तो क्या निकालना है अपन को? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस डी क्यूब निकालना है ना। पर उसमें स्क्वायर्स भी तो ऐड करने होंगे ना, फाइंड द सम ऑफ द स्क्वायर्स एंड द क्यूब्स। नहीं नहीं नहीं, दो क्वेश्चन है ना अलग अलग, पहली बार सम ऑफ स्क्वायर्स निकालना है और दूसरी बार क्यूब्स निकालना है। आंसर देखो ना, आंसर कैसे दिया होगा, दो अलग अलग आंसर दिया होगा ना इस क्वेश्चन में। हाँ सर। और क्या बाकी लोग सबका सब बन गया है? कोई पूछ ही नहीं, तीन चार लोग क्लास में बस बोल रहे हैं, बाकी सब लोग चुप बैठे हुए हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस डी क्यूब। इसका कुछ फास्ट तरीका हो सकता है क्या सर? ए बी सी को इक्वेशन में डालकर ऐड कर देंगे, फिर एक एक कॉमन निकाल देंगे। ए बी सी को ऐड करके कॉमन निकाल के इक्वेशन में डाल देंगे। हाँ? और फिर ए की पावर 4 प्लस क्यू इंटू ए की पावर 2 ऐसा बनेगा, फिर एक एक कॉमन निकालेंगे तो ए की पावर 3 आ जाएगी, ऐसे सबके साथ करेंगे फिर ऐड कर देंगे। उससे फिर हमारा सॉल्व। अच्छा वो तो ठीक है, अभी जैसे कि अगर डायरेक्टली करने जाऊंगा तो क्या ये डायरेक्टली मतलब इम्पॉसिबल तो है नहीं, सॉल्व तो होगा लेकिन बहुत लंबा जाएगा, है ना? यस सर। डायरेक्टली मतलब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी क्यू कुछ तो होता ही होगा ना फॉर्मूला वॉर्मूला, तो नहीं होता होगा क्या? आइडेंटिटी वाला कुछ होगा वैसे ही लगा के, या दोनों को ए प्लस बी सी प्लस डी चेंज कर सकते, लंबा जाएगा। ठीक है, जो ये कह रहा है उससे ट्राई करते हैं। ए पावर 4 प्लस क्या बन रहा है? क्यू ए स्क्वायर प्लस आर ए प्लस एस इक्वल टू जीरो। इतना क्लियर है क्या? बी पावर 4 प्लस क्यू बी स्क्वायर प्लस आर बी प्लस एस इक्वल टू जीरो। सी पावर 4 इज इक्वल टू क्यू सी स्क्वायर प्लस आर सी प्लस एस इक्वल टू जीरो।
d पावर 4 प्लस क्यू डी स्क्वायर प्लस आर डी प्लस एस इक्वल टू जीरो. इतना क्लियर है? अभी यहां से लेट्स डू वन थिंग कि a पावर 4 को इस साइड रख के बाकी को उधर भेज दिया, माइनस क्यू ए स्क्वायर माइनस आर ए माइनस एस, और a से डिवाइड कर दिया, तो a क्यूब कितना आ गया, माइनस क्यू ए माइनस आर माइनस एस बाई ए. ये बात समझ में आई? b क्यूब कितना आ गया, माइनस क्यू बी माइनस आर बाई माइनस एस ए. सी क्यूब कितना आ गया, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस डी क्यूब की वैल्यू कितनी आ रही है बताओ, माइनस क्यू इंटू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी माइनस फोर आर माइनस एस. क्या सब लोग फॉलो कर पा रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं? यस सर. ठीक है, अब देखो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी मालूम है कि नहीं मालूम है तुमको पहले से? कितना होगा, माइनस क्यू होगा और 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी प्लस 1 बाई डी. कैसे निकालते हैं, एलसीएम ले ले तो क्या आ जाएगा, सर ए प्लस बी प्लस डी जीरो है. हाँ सॉरी 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 सॉरी, देखा नहीं मैंने. ठीक है, जीरो है वो. ठीक है, और इसमें एलसीएम ले लो तो बीसीडी एसीडी एबीडी और एबीसी बाई एबीसीडी. चमक रहा है? तो अब बताओ ए बी इसकी वैल्यू कितनी है, तीन तीन के सम की, माइनस आर ए बी सी बी सी डी ए सी डी ए बी डी, कितना वैल्यू बताओ, माइनस आर. माइनस आर है तो माइनस आर डाल दिया वहां पे, और ए बी सी डी का वैल्यू कितना है, एस है. वैल्यू कितनी आ गई, माइनस आर बाई एस है ना. अब डाल दे वैल्यू इस एक्सप्रेशन में, कितना आ जाएगा बताओ, ये तो जीरो हो गया, तो माइनस फोर आर माइनस एस इंटू माइनस आर बाई एस, एस एस कट गया. व्हाट इज द फाइनल आंसर, माइनस थ्री आर. क्या आंसर मैच किया है पीछे से मेरा? यस सर यस. अच्छा एक चीज बताओ, क्या क्लास में बस दो ही तीन लोग हैं क्या, कीर्ति की आवाज आ रही है, विदुषी की आ रही है, दो तीन बच्चों की और आ रही है, बाकी सब लोग चुप बैठे हुए, क्या समझ में आ रहा है ना यार, वो ऐसे ही बैठे हो क्लास में? आ रहा है समझ में सर? समझ रहा है आ रहा है सर, मुझे पता नहीं चल रहा यार. ये काफी अच्छा मेथड था. ठीक है, अब मैं तुमको 23rd 21st डाउट है या नहीं ये मुझे नहीं मालूम, मैं सॉल्व कर रहा हूँ. ठीक है, बिकॉज़ एक टॉपिक के थ्रू हो जाएगा. ठीक है सर, किसके थ्रू? एक टॉपिक भी करा दूंगा, रिडक्शन शायद पहले भी कराया था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है. रिडक्शन टू लोअर पावर्स, जैसे हायर पावर निकालना होता है तो लोअर पावर के थ्रू कर लेते हैं. देखो एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू जीरो, क्या निकालना है इसमें, अल्फा पावर फोर प्लस बीटा पावर फोर प्लस गामा पावर फोर. बोलो सब लोग एग्री करते हैं ना एटलीस्ट, किस तरह बहुत डिफिकल्ट हो सकता है निकालना. हाँ या ना? हाँ तो इसलिए इसमें अपन ये टॉपिक यूज करते हैं. टॉपिक कुछ नहीं है, लॉजिकल टॉपिक है कि हम लोग इस इक्वेशन में अल्फा डाल देंगे, अल्फा क्यूब प्लस क्यू अल्फा प्लस आर इक्वल टू जीरो. चमका तो बीटा, तो अब इससे अल्फा क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस क्यू अल्फा माइनस आर. अल्फा पावर फोर कितना आ गया बताओ, माइनस क्यू अल्फा स्क्वायर माइनस आर अल्फा. क्या सबको इतना क्लियर है? हाँ सर. तो मैंने क्या किया, अल्फा पावर फोर को लोअर पावर में रिड्यूस कर दिया ना, रिडक्शन ऑफ हायर पावर्स टू लोअर पावर. चमका अब मुझे बताओ, अल्फा पावर फोर बीटा पावर फोर गामा पावर फोर की वैल्यू क्या होगी, माइनस क्यू अल्फा स्क्वायर माइनस आर अल्फा माइनस क्यू बीटा स्क्वायर माइनस आर बीटा माइनस
क्यू गामा स्क्वायर माइनस आर गामा, क्या सब लोग को इतना क्लियर है ना यार? तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस आर इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब बताओ तुमको कौन सा वैल्यू मालूम है पहले से ही? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। कितना है? जीरो है ना? Yes, sir. अब ये निकालना है तो कैसे निकालते हैं? ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर कितना होता है बताओ? अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस टू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, गामा अल्फा है ना। ये वैल्यू तो जीरो हो गई, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो माइनस टू समेशन अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा की वैल्यू कितनी है? माइनस क्यू है ना, सॉरी प्लस क्यू है, डाल दिया तो वैल्यू कितनी आ गई इसकी? माइनस टू, माइनस टू क्यू, इसको इसमें पुट कर दिया तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? प्लस टू क्यू स्क्वायर। समझे मैं क्या कह रहा था? रिडक्शन टू लोअर पावर्स। यस सर। सबको क्लियर है एक्सरसाइज? हाँ सर। तीन क्वेश्चन पेंडिंग छोड़े अपन ने, बारवा तेरवा और सोलहवा। अच्छा आठ भी है, जो जीपी वाले पेंडिंग छोड़े हैं। ठीक है, अगली एक्सरसाइज भी होमवर्क दी थी क्या मैंने? बी वाला भी दिया था। चलो बी वाला तो सिंपल, बी वाला में ज्यादा डिफिकल्ट नहीं गिरा होगा। चलो बोलो एनीवेज। सर फर्स्ट थर्ड वाला, फर्स्ट वाला ही डाउट है। सर लास्ट में आंसर नहीं आता। आएगा आएगा, सबका आंसर आएगा, सब होगा। मेरा नहीं आता। नहीं नहीं अभी लाता हूँ ना तेरा आंसर। ठीक है, इसका एक रूट क्या दिया हुआ है? 1 plus root minus 3 by 2. 1 plus root 3 iota by 2, ठीक है? अब इसके coefficients कैसे हैं? सारे coefficients real है ना? Yes. हाँ सर। सारे coefficients real है ना? इसका मतलब दूसरा root क्या होगा? 1 minus root 3 iota by 2, है ना? ठीक है? बोलो क्लियर इतना? यस यस। नाउ इसको यूज करके क्वाड्रेटिक बना लो ना, जिसका रूट है दोनों, और फिर उसको बड़े वाले से डिवाइड कर दो। तो ऐसा क्वाड्रेटिक बना लो सीधा, क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट, सम ऑफ रूट कितना है? वन है, और प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना है? वन माइनस रूट थ्री आयोटा का होल स्क्वायर बाई फोर, विच इज हाउ मच? वन प्लस थ्री बाई फोर, वन इक्वल टू जीरो। तुम चाहो तो ऐसे क्वाड्रेटिक बना लो जिसके ये दोनों रूट्स है, या एक और तरीका कर सकते हो, एक्स इज इक्वल टू वन प्लस रूट थ्री आयोटा बाई टू। ठीक है, टू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू रूट थ्री आयोटा, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, फोर एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस फोर एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री। तो फोर एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो, सेम क्वालिटी आ गई ना, ये दोनों सेम है ना। तो आपके पास एक क्वालिटी आ गई, अब इस क्वाड्रेटिक से इसको डिवाइड कर दो। चलो बताओ तो डिवाइड कैसे करें? सीधा, लॉन्ग डिवीजन नहीं करना चाहता हूं मैं, सीधा चाहता हूं। ये क्वाड्रेट, ये जो ऊपर वाला इक्वेशन है, ये पावर फोर का इक्वेशन है ना? यस सर। यस सर। और नीचे में कैसा है? क्वाड्रेटिक। तो ये वाला भी क्वाड्रेटिक होगा। अब यहाँ पे कैसा है? थ्री एक्स पावर फोर है ना? तो यहाँ पे कितना आएगा? थ्री एक्स स्क्वायर, समझे? और यहाँ पे कितना है? माइनस सिक्स है ना? तो यहाँ पे कितना आएगा? माइनस सिक्स आ जाएगा। ये बात समझ में आती है? अब एक और टर्म चाहिए बीच वाला, अब एक और टर्म चाहिए बीच वाला,
ठीक है, वो ले आओ, बताओ कैसे बन रहा है। हमारे पास सिस्टम में तुमको जिसको बैलेंस करना है बैलेंस कर लो, तुम चाहते हो x को बैलेंस करना x को बैलेंस कर लो, यहाँ पे x के साथ कुछ आएगा तो x कैसे कैसे बन रहा है सिस्टम में। एक बार तो x बन रहा है तुम्हारा x इंटू माइनस सिक्स से बन रहा है प्लस सिक्स एक्स, और एक बार यहां से बनेगा तो हमको कितना चाहिए, माइनस एक्स चाहिए, और ऑलरेडी सिक्स एक्स बना हुआ है तो यहाँ पे क्या होना पड़ेगा, माइनस सेवन एक्स ना, तो यहाँ पे होना पड़ेगा माइनस सेवन। तो मेरे ख्याल से मैंने फैक्टराइज कर दिया, आप चेक कर सकते हो, सकता है मैंने गलती कर दी हो, ठीक है एक बार चेक कर लिया ध्यान, समझ रहे हो, थोड़ा सा टाइम बच जाएगा ना ऐसे फैक्टराइज करने से। ऐसा नहीं है कि लॉन्ग डिविजन से करोगे तो गलत है, वो भी सही है, बट इसमें क्या है थोड़ा सा अपने को फायदा हो जाता है बस, ठीक है। नेक्स्ट बोलो सर, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन सेम है ना, अभी देखो तो एक रूट क्या दिया हुआ है बताओ, माइनस वन प्लस आयोटा दिया हुआ है ना बेटा, वन प्लस आयोटा, तो ठीक है, तो x इज इक्वल टू माइनस वन प्लस आयोटा, ऐसे कर लो x प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा x स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, आ गया ना, अभी अभी डिवाइड कर दो उसको। हाँ सर, यस सर, कहाँ गलती कर दिया था। चलो नेक्स्ट बोलो सर, रूट्स। सर आप नाइन्थ क्वेश्चन कर सकते हो। हाँ करता हूँ, रुक जाओ पहले बाकी हो जाए। हेलो गाइस, डाउट्स नहीं है और सर, फाइव सिक्स सेवेंथ फिफ्थ, कौन सा सर, फिफ्थ एक्स की पावर फोर, ये क्या घर से बहुत बाहर बैठा है, कहाँ बैठा है, इसकी आवाज ही नहीं आ रही, जो भी बच्चा है। माइनस नाइन एक्स माइनस फिफ्टीन इक्वल टू जीरो, एक रूट रूट थ्री है, दूसरा रूट क्या है, वन माइनस टू आयोटा, तो हो गया ना, अगर एक रूट रूट थ्री है दूसरा रूट क्या होना पड़ेगा, चार रूट मिल गया बस, पांचवा। हाँ, और इसका वन प्लस टू आयोटा है ना, तो पांच, अब सम ऑफ रूट निकाल लो, सम ऑफ रूट कितना होना चाहिए, रूट माइनस थ्री वन माइनस टू आयोटा प्लस वन प्लस टू आयोटा प्लस ए इज इक्वल टू वन, तो खत्म खत्म खत्म, तो टू प्लस a इज इक्वल टू वन, a इज इक्वल टू माइनस वन, पांचों रूट आ गए ना। हाँ सर, नेक्स्ट बोलो सर, सेवेंथ। सेवेंथ कोई सिक्स बोल रहा है, कोई सेवेंथ बोल रहा है, कोई एट्थ बोल रहा है, क्या बोल रहा है, सिक्स करना है क्या, डाउट है तो बोलो। हाँ अरे सिक्स, सिक्स तो उस दिन सेम क्वेश्चन क्लास में किया था, नहीं किया था क्या सिक्स जैसा सेम क्वेश्चन, एक एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन किया था ना ऑलमोस्ट, सर बस नंबर अलग है, नंबर अलग था ना, एक मिनट होगा सर, हेलो सर क्लास में बोलो ना सर, मैं कह रहा हूँ क्लास में, तो अगर आप क्लास दे तो मैं स्कूटी से जाता हूँ, और हाँ बोलो नेक्स्ट।
इसका नाइन्थ वाला सेवन हाँ, क्या कर रहे हैं? सिक्स्थ वाला, चलो सिक्स्थ वाला भी कर देते हैं ना, देखो क्या है, एक मिनट रुक, तो सेवेंथ वाला में डाउट है। नहीं नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिक्स्थ और सेवेंथ दोनों ही समझा दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि एक बार डाउट खत्म हो जाए लोगों का। क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, देखो जो स्टार्टिंग लिखा है ना, फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ लोवेस्ट डायमेंशन विथ रोशनल रैशनल कोएफिशिएंट, ठीक है, तो लोवेस्ट डायमेंशन चाहिए। उस दिन भी याद है किसी ने कहा सर आप बस स्क्वायर करते चले गए आंसर आ गया, याद आ रहा है? ठीक है, तो वैसे भी सोच सकते हो या डायरेक्टली भी सोच सकते हो, क्या क्या रूट्स हो सकते हैं सिस्टम के बताओ। माइनस रूट थ्री प्लस रूट टू आयोटा, ठीक है, ये इरेशनल वाला। अब कॉम्प्लेक्स वाला कैसे होगा बताओ, रूट थ्री माइनस रूट टू आयोटा, और इसी वाले का क्या हो जाएगा, माइनस थ्री माइनस रूट टू आयोटा। ये चार रूट्स आ गए ना सीधा, ये एक तरीका है। या जो मैंने उस दिन दिखाया था याद है, भूल गए हो, ऐसा लिख दिया था याद करो, और फिर मैंने x माइनस रूट थ्री को इधर ले जाके स्क्वायर कर दिया था, याद आ रहा है क्या? Yes. अभी क्या किया था, x स्क्वायर प्लस थ्री माइनस रूट टू थ्री एक्स इज इक्व टू माइनस टू, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव का होल स्क्वायर इज इक्व टू टू रूट थ्री एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है बेटा? सर मुझे पता नहीं चलता कि कब ये वाला अप्लाई कर सकते हैं। क्या चीज बताओ? ये स्क्वायर वाला जो होता है, हाँ हाँ, वो ना मुझे ऐसा स्ट्राइक नहीं होता कि इस क्वेश्चन में ऐसे कर सकते। देखो लॉजिक क्या है ना, देखो जो 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 सेकंड क्लास में याद है, मेरी डेरिवेशन याद है कि जब मैंने डिराइव किया था कि a प्लस आयोटा b जो रूट है तो a माइनस आयोटा b भी रूट होगा, वो डेरिवेशन याद है? हाँ सर वो पता है। उसी डेरिवेशन पे वापस से चलो और उस डेरिवेशन को ध्यान से देखो क्या हुआ था, क्योंकि जब भी स्क्वायर करते हो इक्वेशन का याद रखो, क्वालिटी का याद है तुम्हारा कैसे बना था रूट, याद करो, एक्स प्लस एक्स माइनस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस डी बाई फोर ए, याद है? Yes. है ना, तो जब स्क्वायर करते हो तो प्लस माइनस दोनों ही उसके रूट में आ जाता है। जब स्क्वायर करते हो तो कॉम्प्लेक्स वाला दोनों उसके रूट में आ जाता है, इसलिए यूज कर सकते हैं। अभी सेवेंथ कर सकते हैं वो मुझे पता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता चलता कि इस क्वेश्चन में ऐसे कर सकते हैं। वो तो भी मतलब वो तो सोचेगी धीरे धीरे, एक्सपीरियंस से आएगा, मतलब ठीक है, जैसे देखेगी समझेगी, तभी तो क्वेश्चन स्टार्ट करना शुरू किया अभी तो। ठीक है, सेवेंथ क्वेश्चन में डाउट है क्या? सर क्या डाउट है बता, ये लिखा है ना, तो बता रूट्स क्या होंगे। लास्ट टर्म आता है, ये जब इक्वेशन बनने के बाद जो लास्ट टर्म 86 है पर मेरा 36 आता है, बाकी लोगों का क्या आता है? कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई होगी, एक बार वापस चेक करो, एक बार बाकी लोग बता दे तो, ये तो फिर मुझे करना पड़ेगा ना, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं। लास्ट में आंसर अलग आता है, आंसर अलग आ रहा है, मैं कर रहा हूँ। देखो तो कीर्ति ये आंसर आया तुम्हारा, हाँ सही है ना सर, पीछे 86 दिया है, गलत दिया है, कुछ अलग आंसर दिया, 25, 81 कुछ कर दिया होगा, पर वो 36 ही है, बस वो ऐसा स्मज हो गया है, गलत दिया है यार, अभी सॉल्व मैथ्स में कोई 2 प्लस 2 को 5 थोड़ी ना कर सकता है यार, जो है सो है, सॉल्व कर दिया ना, आगे बोलो। नाइन्थ क्वेश्चन के, नाइन्थ क्वेश्चन आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ,
नाइन्थ क्वेश्चन में मैं दो तरीके से करें तो वो दिखाता हूँ. एक तो पहले दिखाता हूँ कि स्क्वायर करके ओवरराइट हो रहा है. फोन साइड है नंबर के नंबर म्हणजे फोन नंबर म्हणजे याच्यात ना हां रे मला अच्छा आरडी पार्टी ते पसंद आहे. दो तरीके हैं या तो एक तो x = ये लेके स्क्वायर कर दो नहीं बन रहा इससे होल स्क्वायर बनता है. वो तो मैं कर रहा हूं मेथड 2 है. पहले तो ये बोल रहा हूँ इससे नहीं बन रहा है क्या तुम लोगों का जो लोग डाउट पूछ रहे हो बन तो गया इससे. देखो जो दूसरा तरीका है डायरेक्टली रूट्स गेस करने वाला उस पे आते हैं ठीक है. 8689151731515173 यार म्यूट कर लो यार. देखो यहाँ पे एक परफेक्ट स्क्वायर की तरह सोच सकते हो. ये देखो 5 को ब्रेक करो रूट थ्री स्क्वायर प्लस रूट टू स्क्वायर. तुम्हारे सिलेबस में मैक्सिमम टाइम जब भी शर्ट्स आएंगे ना तो ध्यान रखना जो शर्ट्स होंगे वो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर बना देंगे. ये आ गया ना एक रूट रूट थ्री प्लस रूट टू. ये बात चमकी? यस सर. ठीक है तो अब रूट क्या क्या हो सकता है बताओ. माइनस रूट थ्री माइनस रूट टू माइनस रूट थ्री प्लस रूट टू प्लस रूट थ्री माइनस रूट टू. ये बात क्लियर है क्या? yes, सब लोग डिस्कशन करते हैं तो मजा आता है. दो तीन चार लोग कर रहे हैं बस. सबको क्लियर है क्या इतना? यस सर. नेक्स्ट सर. तो नेक्स्ट बोलो. नेक्स्ट बोलो सर. सर 12. अरे करना स्क्वायर. वैसे बिना स्क्वायर के भी कर सकता है बट इसने रूट्स नहीं पूछा है. अगर इसने रूट्स पूछा होता ना फिर तो मैं रूट्स निकाल के बैठ जाता. बताओ रूट्स कितने आते हैं? सीधे बोलो रूट्स क्या क्या हो सकते हैं बताओ. माइनस रूट टू. एक बार तो आयोटा का प्लस माइनस कर दोगे? यस सर. एक बार रूट थ्री का प्लस माइनस कर दोगे? एक बार रूट टू का प्लस माइनस कर दोगे? कितने रूट्स आ जाएंगे? 8 रूट्स आ जाएंगे. हाँ सर. अरे हेलो क्लियर है क्या? Yes, तुमको तुम्हारे मम्मी ने दो थप्पड़ मारा और मम्मी के हर थप्पड़ पे दो पापा ने मारा और पापा के हर दो थप्पड़ पे बड़े भाई ने मारा दो थप्पड़. एज अ होल तुम कितने थप्पड़ खाओगे? 6 खाओगे कि 8 खाओगे? 8 खाओगे ना यार कि 6 खाओगे? हेलो थोड़ा अच्छा एग्जांपल दीजिए ना. अच्छा एग्जांपल तो है सर. एक बार वो एग्जांपल ठीक है. देखो ऐसा है मैं ये कह रहा हूं कि तुमको मम्मी ने दो थप्पड़ मारा. मम्मी के हर थप्पड़ पे पापा ने दो थप्पड़ मारा और पापा के हर दो थप्पड़ पे बड़े भाई ने दो थप्पड़ मारा. सर टोटल 8 हो गए. ये बात समझ में आती है? अब ये दो थप्पड़ कैसे आ रहा है? एक बार लेफ्ट हाथ से मारा एक बार राइट हाथ से मारा. समझे? एज अ होल कितने थप्पड़ खा लोगे? बात समझ में आ रही है क्या सिस्टम चल रहा है? तो यहां पर एक बार रूट थ्री प्लस हुआ एक बार रूट क्या होगा रूट थ्री प्लस रूट टू प्लस आयोटा. ये बात चमकती है? ऐसे ही और रूट क्या आएंगे बोलो. माइनस रूट थ्री प्लस रूट थ्री माइनस आयोटा आएगा. फिर क्या आएगा? माइनस रूट थ्री प्लस रूट थ्री प्लस आयोटा. ऐसे करते करते 8 रूट बन जाएंगे ना. अब उसने सीधे बोला इक्वेशन निकालो तो अपन इक्वेशन कैसे निकालेंगे? ये तो वैसे प्लस आयोटा लिखा था कितना बनेगा बोलो. एक्स माइनस रूट टू प्लस रूट थ्री का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन. चमका? yes. तो नाउ यू आर हैविंग एक्स स्क्वायर प्लस रूट टू प्लस रूट थ्री का होल स्क्वायर माइनस टू एक्स इंटू रूट टू प्लस रूट थ्री इज इक्वल टू माइनस. कर लो स्क्वायर. ये एक तरीका है. या
तुम क्या कर सकते हो, x माइनस रूट टू इज इक्वल टू रूट थ्री प्लस आयोटा, यहाँ पे स्क्वायर कर दो। अरे क्लियर है क्या कैसे करना है? फिर तब तक करते जाना है तब तक पावर ना आ जाए ना, जब तक सब कुछ खत्म मत हो जाए, और जब खत्म हो गया तो रुक जाना है, फिर स्क्वायर नहीं कर दोगे। नेक्स्ट बोलो सर, आपने 12th तक ही दिया था ना? मुझे मालूम नहीं है, 12th तक ही है। हाँ सर, 12th तक ही दिया था आपने। अच्छा 12th तक ही था क्या? हाँ सर। तो आगे वाले पेज से क्या स्टार्ट है? आगे वाले पेज में क्या लिखा ही नहीं था, मैंने क्या किया था, क्या है? मतलब फोटो दिख के नहीं दिया था कि फोटो वही एक्सरसाइज। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। और क्या था होमवर्क? एक मिनट रुक जाओ। हाँ बोलो। तो शीट एपी वन एसी वन शीट कहीं है ना ऊपर में? का ग्रुप के मीडिया में जाके एक बार देख। हाँ 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 चलो बोलो। पार्ट वन का ए नाइन हाँ, पार्ट वन का। पार्ट वन में जो फर्स्ट क्वेश्चन है ए वन, उसका सेकंड वाला पार्ट नहीं आ रहा, रियल वैल्यू ऑफ एक्स निकाल। हाँ तो क्या बोल रहा है वो? वो बोल रहा है कि डज देयर एग्जिस्ट अ रियल वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच अबव इक्वेशन इज आइडेंटिटी इन ए। तो तुमको पहले क्वाड्रेटिक इन ए बनाना पड़ेगा ना इक्वेशन को चेंज करके। तो ए स्क्वायर माइनस ए माइनस टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस फोर इंटू एक्स। अभी ये किस फॉर्मेट में दिया हुआ है कीर्ति? ये दिया हुआ है सर, मेरे को ए का वैल्यू आता है पर वो समझ गया मैं, समझा नहीं दूसरा वाला। हाँ बता रहा हूँ अभी ये दिया था कि ये आइडेंटिटी इन एक्स है, आइडेंटिटी इन एक्स है। तो तुमने क्या किया, तुमने इसको जीरो किया, इसको जीरो किया, इसको जीरो किया, है ना? अगला पार्ट बोल रहा है कि क्या ये आइडेंटिटी इन ए बन सकता है। तो आइडेंटिटी इन ए बनाने के लिए इस इक्वेशन में तुम ए स्क्वायर में क्वाड्रेटिक बनाओ ना। तो ए स्क्वायर में कैसे बनेगा क्वाड्रेटिक बताओ? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ए के साथ क्या आएगा माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस थ्री, और कांस्टेंट टर्म कितना आ रहा है माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस टू, समझे? अब इस इक्वेशन को आइडेंटिटी इन ए बनाना है, आइडेंटिटी इन ए बनाना है। तो आइडेंटिटी इन ए कैसे बन सकता है? अगर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन जीरो हो, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, ये चमक रहा है? तो अब ये तो पॉसिबल ही नहीं ना जीरो होना, क्योंकि क्योंकि ये जो इक्वेशन है इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो कैसा है, लेस देन जीरो है। तो क्या हो गया, लेस देन जीरो, नो रियल एक्स, नो रियल एक्स, समझा? तो ये इक्वेशन जो है वो आइडेंटिटी नहीं बन सकती है, ठीक है? यस अरे ये नैतिक, एक मिनट। अच्छा मुझे दो तीन एक ये बताओ
एपी वन से तुम लोग को ट्रिग्नोमेट्री में कहां पे रोका था मैंने? अरे फॉर्मूले हो गए थे। नहीं नहीं वो कंडीशनल आइडेंटिटी हुआ था, मतलब एस एल लोनी का एग्जांपल 20 करवाया था क्या कि a प्लस बी प्लस सी 180 है तो साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c की वैल्यू 4 साइन a साइन b साइन c प्रूव करो, ये किया था नहीं किया था? नहीं किया था। अबे किया था एसएल, तुम लोग को एसएल लोनी से करवाया था ना मैंने एसएल लोनी का लास्ट। एक्चुअली मेरे पास व्हाट्सएप हट गया, डिलीट हो गया, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं कि लास्ट तुम लोग को एसएल लोनी का कौन सा एक्सरसाइज दिया था मैं, याद है तुम लोग को? जो इमेजेस शेयर करता है तुम लोगों से मैं, तो लास्ट एसएल लोनी का कौन सा इमेज शेयर किया था मानस होटके बताओ तुम? सर याद नहीं। अरे नेक्स्ट वीक टेस्ट है ना? हाँ। ट्रिग्नोमेट्री आ रही है ना? यस सर। फिर तो तुम लोग को याद नहीं है ये चीज? साइन मुझे कोई देख के बता सकता है क्या? मुझे याद नहीं आ रहा, एक्चुअली मुझे ध्यान नहीं है कि साइन एग्जांपल 20 भेजा था कि नहीं भेजा था। नहीं सर, 20 नहीं भेजा था। लास्ट एग्जांपल कौन सा दिख रहा है तुम लोग के पास? सर चेक कर रहा हूँ। चेक कर लो, टाइम लो, चेक कर लो ना। AC1 तुमको मैंने एग्जांपल 20 भेज दिया है क्या? सर लास्ट में आपने प्रॉब्लम्स इन मैथमेटिक्स में दिया था होमवर्क, 61 टू 79 क्वेश्चंस तक करना था। फिलिपको वाला ना? ओ बरवो, हाँ वो तो मुझे याद है। ऐसे लोनी से पूछ रहा हूँ मैं, एग्जांपल 20 भेजा था नहीं? रुको ना एक मिनट, मैं एक इमेज भेज रहा हूँ, मुझे तुम लोग को याद नहीं है, तुम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़े ही लगता है इधर बीच में। रुको एक मिनट, दो मिनट टाइम दो। एसी वन पे मैंने भेजा था ना कल, एसी वन तुमको भेजा है कि नहीं? तुमको तो भेजा है ना? यस सर। अन्वेषा हाँ, एक बार चेक करो तो ये क्वेश्चंस ऐसे किए हैं कि नहीं किए, ऐसे वाले क्वेश्चंस व्हाट्सएप किया है, चेक करो एक बार। सर ऐसा नहीं किया है। अरे मुझे याद आ रहा है किया है। किया है सर, किया है, मेरे को अभी मिला था, मैं भेजता हूँ आपको। किया है ना? हाँ सर किया है ये वाला। हाँ चलो बढ़िया है, ठीक है। क्योंकि अभी अभी अपने को ट्रिग्नोमेट्री को टेस्ट आ गया ना, ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज करनी पड़ेगी ना अपने को इस वीक में, तो ट्रिग्नोमेट्री में अपन रिवीजन के लिए यूज कर लेंगे स्टेट बोर्ड की बुक। तो स्टार्टिंग से होगा ना रिवीजन? स्टार्टिंग से मतलब? सर मतलब कि एकदम शुरुआत से, मतलब मैं तो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा ना बस, मैं होमवर्क दूंगा और डिस्कस करूंगा। सर आपने कहा था कि आप ट्रिग्नोमेट्री साल में 3-4 बार रिवाइज कराते हो। हां तो हो तो गया, दूसरी बार हो रहा है, वापस से अगली बार एनसीईआरटी से करेंगे और नवंबर के आसपास शीट करेंगे। तो भूल गया। हां तो इतने महीनों का गैप था ना, तो भूल गया। तो याद कर भाई, चलो बोलो नेक्स्ट बोलो। A9 इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इज इक्वल टू nth पावर ऑफ द अदर रूट, तो एक रूट इसका अगर अल्फा है तो दूसरा रूट कितना है बेटा?
अल्फा की पावर एन है, ठीक है, तो अल्फा प्लस अल्फा की पावर एन माइनस बी बाई ए हो गया, और अल्फा इंटू अल्फा की पावर एन सी बाई ए हो गया, ठीक है। अभी अल्फा प्लस अल्फा, हाँ तो यहां से तुम निकाल लो ना, अल्फा की पावर एन प्लस वन सी बाई ए आ गया, यहां से अल्फा की वैल्यू निकाल लो सी बाई ए की पावर वन बाई एन प्लस वन, और इसको यहां पे डाल दो, नेक्स्ट बोलो सर। ए इलेवन फाइंड द लीस्ट प्राइम इंटीग्रल वैल्यू ऑफ टू ए सच दैट अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा, अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा इज लेस देन टू। तो ये क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा बीटा लेस देन टू, ठीक है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना होगा बोलो, अपने पास क्वाड्रेटिक कितना आता है, हाँ प्लस ए है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तुम्हारा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना है थ्री, नाइन माइनस ए, नाइन माइनस ए बाई ए बाई टू लेस देन टू। डाउट क्या है इसमें, अरे क्लियर है? Yes, sir. नेक्स्ट बोलो, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना इसमें जो किया है मैंने, मोस्टली गलत तो नहीं होना चाहिए बट चेक करने में दिक्कत नहीं रहती है। अल्फा प्लस बीटा बी थ्री का सेकंड वाला सॉल्व कर दो ना। करता हूँ सब डिस्कस कर ही रहा, सब करूंगा सॉल्व। सेक्शन ए हो गया, यस हाँ, सेक्शन बोलो, सेक्शन बी थ्री का सेकंड, बी थ्री का सेकंड, अभी तो किया, देख वही से क्वेश्चन उठाया गया है ना, सॉल्व द इक्वेशन वन रूट बीइंग द हाफ द सम ऑफ अदर टू, है ना, तो a इज इक्वल टू b प्लस सी बाई टू, टू ए इज इक्वल टू b प्लस सी, अभी तो तुरंत थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था, याद है? हाँ सर किया था, तो हो जाएगा ना अभी? हाँ सर कर लूंगी, देख मैं चल मैं कर देता हूँ, उसमें तो लैम्डा निकालने में दिक्कत आ रही है शायद ना, ये देखो इसमें क्या बोला कि तीन रूट है ए बी सी, वन इज हाफ द सम ऑफ अदर, तो a प्लस बी प्लस सी कितना है माइनस 81 बाई 18 है, और ये हो जाएगा 3a इज इक्वल टू माइनस 81 बाई 18, तो 27 माइनस 3 बाई 2। अब बताओ सॉल्व कैसे करूं, लैम्डा कैसे निकालूं, अरे हाँ यहाँ पे x की जगह डाल दो, है ना, ये सेटिस्फाई हो जाएगा, है कि नहीं? Yes, sir. क्या हो गया, सब लोग थक गए क्या, कुछ डिस्कस नहीं कर रहा अच्छे से, मतलब तीन चार लोग डिस्कस कर रहे हैं, बोर बोरिंग हो रहा है मेरे लिए अब। हेलो yes, नहीं था क्या सर? Yes, sir. दो मिनट रुक जाए, मैं लैपटॉप चार्ज लगा दूं।
हाँ भाई बोलो फिर, क्लियर नहीं आगे? हाँ अभी तक वो लोड नहीं हुआ है। क्या हुआ? हेलो यस सर यस सर एक मिनट, कुछ तो अजीब सा हो रहा है आपका। तुम लोग को वीडियो दिख रही है क्या? हाँ सर दिख रहा है। मुझे नहीं दिख रहा है। तो नहीं यहाँ पे वीडियो क्यों नहीं दिख रहा मुझे अभी अपना खुद का? सर आपका वीडियो ऑन है। हाँ अभी दिखा ठीक है। चलो ठीक है। हाँ तो अभी समेशन का मतलब क्या होता है कि उस सिस्टम के जितने भी वेरिएबल्स है ना उस पे चला देना, ठीक है? तो यहाँ पे समेशन क्या बोल रहा है, कल मैंने पढ़ाया था कि लोअर लिमिट से अपर लिमिट था ना, याद है? यहाँ पे क्या बोल रहा है ये, अल्फा बीटा गामा पे, क्या बता रहा है? अल्फा बीटा गामा पे बता रहा है करने को, है ना? तो अगर अल्फा बीटा गामा पे बता रहा है ये करने को, अगर ये अल्फा बीटा गामा पे बता रहा है करने को, तो आपका ये सिस्टम है ना साइक्लिक, तो आप इसको कैसे लिखोगे? देखो ये क्या कह रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो एक्सप्रेशन है बॉक्स वाला, इसको किस पे जोड़ो, किस पे एड करना है, किस सिस्टम पे? अल्फा बीटा गामा पे करना है ये सेम चीज। तो क्या हो जाएगा, ये अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा प्लस नेक्स्ट टाइम अल्फा बाई गामा प्लस गामा बाई अल्फा प्लस नेक्स्ट टाइम बीटा बाई गामा प्लस गामा बाई अल्फा। ये बात क्लियर है क्या? क्या क्वेश्चन क्या कह रहा था? मुझे नहीं समझा। नहीं समझा, ठीक है बताओ क्या नहीं समझा। ये समेशन सिंबल नहीं समझा। अल्फा बाई गामा नहीं, बीटा बाई गामा होगा। हाँ कीर्ति क्या बोल रही है?
तो अल्फा बाय गामा कैसे आया? देखो क्या होता है, सुनो, ये इस सिंबल की चीज होती है। मैं मान लो, देखो सुनो, एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है, और ये ट्रायंगल का ए बी सी लिखा, ठीक है, और मैंने अब लिख दिया समेशन साइन ए, और यहां लिख दिया ए बी सी, ठीक है, इसका क्या मतलब होगा बताओ? साइन ए प्लस साइन ए, हाँ सी, समझी क्या मतलब था? तो वैसे ही यहाँ पे समेशन सिंबल लगा लिखा है, ठीक है, ये समेशन सिंबल है, हाँ। किस पे ऑपरेट करेगा? अल्फा बीटा गामा पे करेगा, है ना, और किस एक्सप्रेशन पे करेगा? वो एक्सप्रेशन क्या है? अल्फा बीटा, अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय गामा, मतलब एक बार में दो दो लेके करना है, ये बात समझी? यस। तो अल्फा बाय बीटा और बीटा बाय गामा, गामा बाय अल्फा, समझे क्या कह रहा हूं मैं? हाँ सर अभी समझ रहे हैं। देखो मैं मान लो, बताओ इस एक्सप्रेशन का, बताओ एक्सपेंशन क्या होगा, बोलो इस एक्सप्रेशन का एक्सपेंशन क्या आएगा बताओ? अल्फा स्क्वायर बीटा गामा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर गामा प्लस अल्फा बीटा गामा स्क्वायर, समझे? अगर मैंने ये लिखा समेशन अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा प्लस गामा, बताओ इसका एक्सपेंशन क्या होगा? अल्फा बीटा प्लस गामा प्लस बीटा इनटू अल्फा प्लस गामा प्लस गामा इनटू अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा, समझे कीर्ति? हाँ सर। ठीक है, तो अभी अपन क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन क्या था B7 में कि 2x cube प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7 इक्वल टू 0, इसके रूट्स क्या है? अल्फा बीटा, क्या हुआ? B5 ज्यादा तेज आवाज क्यों आ रही है, मेरे कान खुलेगा। हाँ, तो क्या निकालना है अपने को इस केस में? अल्फा बीटा गामा पे अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा, है ना? अरे ये क्लियर है? यस सर। हाँ तो चलो फिर निकालते हैं, क्या बन जाएगा? अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा प्लस अल्फा बाय गामा प्लस गामा बाय अल्फा प्लस बीटा बाय गामा प्लस गामा बाय बीटा, ठीक है? तो अभी सॉल्व कर लेते हैं इसको, बताओ कैसे करें फिर, स्मार्टनेस क्या रहेगी? स्मार्टनेस तो क्या ही रहेगी, कोई स्मार्टनेस नहीं है। टर्म्स को कलेक्ट करते हैं, ये देखो ऐसे कर सकते हैं, या 1 by गामा वाला कॉमन निकाल लेते, सबको सेम ही बराबर, कोई अंतर नहीं पड़ता है। एलसीएम ले लेते हैं डायरेक्ट, वही ज्यादा, वो भी अच्छा है, कुछ भी कर दो, सब तरह से बन रहा है। न्यूमेरेटर वाले में फिर क्या करूं? नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं लूंगा ना, मैं ऐसे करूंगा, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ, 1 by गामा बाहर लिया, क्या लिखा है? अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 by बीटा बाहर लिया, क्या लिखा है? अल्फा प्लस गामा, और 1 by अल्फा बाहर लिया, क्या लिखा है? गामा प्लस बीटा, ठीक है, है ना? अब देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना है? माइनस हाफ है, तो मैं रिप्लेस कर दूंगा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा बताओ? तो माइनस हाफ माइनस गामा प्लस 1 by बीटा, अल्फा प्लस गामा कितना आएगा बोलो? माइनस हाफ माइनस बीटा प्लस 1 by अल्फा कितना आएगा? माइनस हाफ माइनस बीटा माइनस अल्फा। अरे ये क्लियर है? तो मेरे पास फाइनली क्या आ गया? माइनस 1/2 1 by गामा प्लस 1 by अल्फा प्लस 1 by बीटा, और यहां से -3। अरे सबको क्लियर है क्या? अभी यहाँ पे एलसीएम ले लो, गामा अल्फा, अल्फा बीटा, बीटा गामा,
मुझे लगा था पहली बार सी डिस्कस कर रहे हैं, सबको जोश होगा डिस्कस करने का, सही नहीं है। अब कीर्ति ने डाउट पूछे तो फिर क्लास में कोई डिस्कस ही नहीं होगा, इसकी वैल्यू जीरो है ना कीर्ति, तो अपने पास आगे आंसर ना माइनस थ्री। सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। थोड़ा डाउट ला, थोड़ा इंथू लाया डिस्कस करने में, मतलब चलो ठीक है। B6 सेक्शन सी, पहले ई सेक्शन करने वाले थे ना, चलो ई कर देते हैं। सर E4 का सॉल्यूशन सेट नहीं आ रहा मेरे को बराबर। आता है, रुको देखो। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एग्जैक्टली एक रूट। अन्वेषा डाउट नहीं है तुमको एक भी? लाइज बिटवीन ई थ्री में भी डाउट है। तो मुझे E1 में डाउट है। 2 से 4 में, कीर्ति 2 से 4 में एक रूट चाहिए है ना, तो 2 से 4 तुम याद है मैं लिखवाया था ना एक शॉर्टकट तरीका कि 2 से 4 के लिए ये ग्राफ भी चलेगा और 2 से 4 के लिए ये ग्राफ भी चलेगा है ना। मैंने क्या बताया था, f(2) × f(4) < 0 ध्यान है, तो 4 − 4a + a² × 16 − 8a + a² − 1 दिस इज लेस देन जीरो, तो a² − 4a + 3 और a² − 8a + 15 लेस देन जीरो, तो हो तो गया सॉल्व। a − 3 a − 1 a − 3 a − 5 लेस देन जीरो, तो a − 5 a − 1 a − 3 का स्क्वायर लेस देन जीरो, 1 से 5 − 3। नेक्स्ट बोलो सर, इवन थ्री वाला कैसा है एक बार बताइए ना। कौन सा थ्री? -3। अरे साइन स्कीम से, साइन स्कीम डालो 1, 3, 5 + −, इवन पावर है माइनस और प्लस, तो आंसर कितना आएगा, 1 से 3 यूनियन 3 से 5। यस सर, अभी समझा। अब तुम सेक्शन ई पे क्यों ले गई मुझे, मैंने 5 दिन पहले ऑर्डर दिया था ना, अब तो डिस्कस कर दूंगा ना मैं सारा। सी डी नहीं किया क्या तुमने अभी तक? प्रायोरिटी वाइज। हाँ तो होमवर्क हो गया ना 5 दिन पहले का प्रायोरिटी, अब तो सब करके आओ। चलो बोलो सेक्शन ई, बोलो चलो बोलो। इवन वाला, इवन वाला, इफ बोथ रूट्स आर बड़ा देन 3, बोथ रूट्स बड़ा देन 3 क्या हो गया? ओवरराइट हो रहा सर। थ्री, बोथ रूट्स बड़ा देन 3, एक्स स्क्वायर −6ax + 9a² − 2a + 2 ग्रेटर, बोथ रूट्स ग्रेटर देन 3, तो ठीक है कंडीशन डालो। कंडीशन क्या क्या होगी, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एफ ऑफ 3 ग्रेटर देन 0 और −b/2a ग्रेटर देन 3, बस इसे सॉल्व नहीं होता। सर मैंने सॉल्व किया लेकिन उसमें प्रूफ करना है कि a इज ग्रेटर देन 11/9, लेकिन मेरा आंसर में आता है कि a की वैल्यू 11/9 और 1 है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कैसे आएगा, इनइक्वालिटी सॉल्व कर रही है तू, ऐसा कैसे आ सकता है? ये और एक कट गया, तेरा आ गया 8a, हाँ तेरा यहां से आ गया कि दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, तो मतलब नहीं सर, हो गया मत कीजिए आ गया। सेक्शन ई चलो बोलो, E1 E2 E3
E3 A स्क्वायर माइनस A। अब तो मैं सोच रहा हूँ फिक्स ही कर दूंगा, संडे को ही डिस्कशन करेंगे, चलेगा सर? और संडे को लोग नहीं आते यार, ये दिक्कत है, लोग पता नहीं कहाँ चले, अभी कोरोना में लोग कहाँ जा रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है चलो, क्वेश्चन क्या है, रूट ऑफ अपोजिट साइन। ठीक है तो अपोजिट साइन का मतलब क्या होता है बताओ? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स जीरो। क्या इक्वल नहीं बोला है? ऐसा नहीं, फाइव और माइनस फाइव नहीं बोला है उसने, फाइव और माइनस फोर बोला है, मतलब फ्रूट्स लेस देन जीरो हो जाएगा तब। हाँ, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लेस देन जीरो, ऐसा या ऐसा है ना, तो अल्फा बीटा लेस देन जीरो, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है, 9a² - 16 / a² - a + 2 लेस देन जीरो है ना, तो ये माइनस फोर। अब तो साइन स्कीम तो करने आती होगी, और नीचे का क्वाड्रेटिक है, इसका डिस्क्रिमिनेंट कैसा है, लेस देन जीरो है, तो ऑलवेज पॉजिटिव है ना क्वाड्रेटिक, तो हो गया ना क्वेश्चन सॉल्व। सर सर वो a रेस टू 4 माइनस 16 है क्वेश्चन में। रुको मैंने सब गिरा दिया नेट, वेट मैंने पैर से मार दिया नेट पर गिर गया। हाँ ठीक है ना, तो a स्क्वायर और a स्क्वायर तो ठीक है ना, माइनस 2 से 2 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट बोलो सेक्शन ई। सर E5 E5 x² + 2 k - 3x + 9 = 0 then find the values of k such that alpha beta belongs to overwrite हो रहा है। हाँ x² + 2 × k - 3x + 9 = 0 Find the values of k such that alpha beta belongs to -6 से 1 -6 से 1 में चाहिए तेरे को दो रूट। दाल कंडीशन, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो, एफ ऑफ -6 ग्रेटर देन जीरो, एफ ऑफ 1 ग्रेटर देन जीरो, -b/2a, -6 से 1 इसमें कौन सा कंडीशन सॉल्व करूं मैं बताओ? f of 1 वाला सर हमें मींस चारों से जो आएगी कंडीशन वो सबको यूनियन लेना होगा है ना, इंटरसेक्शन। अच्छा, चारों कंडीशन शुड साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई, दैट मींस इंटरसेक्शन। हाँ सॉरी। ठीक है, मैंने एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 दिया था कि पार्ट 2 भी दिया था? पार्ट 1 पूरा एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 1 क्या था सर? पार्ट 2 नहीं दिया है? नहीं सर। चलो ठीक है कोई बात नहीं, फ्यू थिंग्स वी नीड टू डू। ठीक है एक काम करो तुम, पहले ना एक्सरसाइज 1 तो पूरा खत्म कर लो। ठीक है ठीक है, सेक्शन ई हो गया रेडी, अभी कौन सा बचा है इसमें, सी डी और एफ। एफ ठीक है, सी डी और एफ तो मैं नेक्स्ट क्लास में कर लूंगा, मैं थक गया बिल्कुल। ठीक है एक काम करो, एक्सरसाइज 1 खत्म कर लो और मैं तुमको ट्रिग्नोमेट्री का भी भेज रहा हूँ क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है तो वो चीज अब डिस्कस कर लेंगे अपन। और ये जो एग्जाम अभी जो दो इमेज भेजी ना मैंने आप लोगों को ग्रुप पे, एपी वन, आपको अभी आपके ग्रुप पे दो इमेज मिली है ना? Yes, sir. हाँ ये नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। ठीक है एसी वन आपका भी अब उसके साथ ही डिस्कस करेंगे। ठीक है सर, कल ही क्लास। Yes, sir.
कल ही क्लास है, मोस्टली मंडे को होती है क्लास। ठीक है, क्या डिस्कशन होगा? नहीं 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 नहीं, मैं वो अभी इस संडे जो टेस्ट है ना, तो ये जो दोनों, ये जो 20 क्वेश्चन है, ये तो एसी वन तो पहले कर ही रखा है ना वापस से, कल ही तो किए हो तुम लोग, है ना? हाँ सर। यस सर। ठीक है, तो होमवर्क जो है आपका एक्सरसाइज वन है और ये 20 क्वेश्चंस है। आपका होमवर्क है एक्सरसाइज वन और ये 20 क्वेश्चंस। आपको होमवर्क क्लियर है सभी को? यस सर। क्या बोल रहे हो? कल के लिए। हाँ बेटा, कल के लिए, हाँ नेक्स्ट क्लास के लिए, नेक्स्ट क्लास के लिए। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री का मैं और होमवर्क डाल रहा हूँ अभी आपका, जो कल ऑब्वियसली नहीं कर पाओगे, बट कल एटलीस्ट एक्सरसाइज वन और नेक्स्ट क्लास के लिए और 20 क्वेश्चन ये करके आओ, ताकि उसके नेक्स्ट क्लास में मैं जो होमवर्क देने वाला हूँ, बता दूं क्या पहले ही मैं क्या क्या डिस्कस करने वाला हूँ इस वीक में? ठीक है, स्टेट बोर्ड में मेरे को याद नहीं है कौन सा चैप्टर था, मैं देख के बताता हूँ। ठीक है, रब करे, मतलब रब क्या करे, चले हो गया ना फिर। ठीक है, एक्सरसाइज वन ये 20 क्वेश्चंस और अभी आप जो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस दोगे वो कल के लिए करने हैं ना? नहीं, एक्सरसाइज वन यूनियन 20 क्वेश्चन ये आपको बिलोंग करता है नेक्स्ट क्लास में। और ट्रिग्नोमेट्री? हाँ तो ट्रिग्नोमेट्री है ना ये 20 क्वेश्चन। और वो जो आप नेक्स्ट और डालने वाले हो? बता रहा हूँ। और नेक्स्ट क्लास का जो कॉम्प्लीमेंट होगा ना, उसके लिए मैं आपको स्टेट बोर्ड का होमवर्क, स्टेट बोर्ड होमवर्क यूनियन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ठीक है? चलो ठीक है, बाय बाय।